होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे स्मॉल बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप बहुत ही कम लागत में शुरू करके एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे है ट्यूशन सेंटर। जी हाँ, अपना ट्यूशन सेंटर आप अपने घर पर ही शुरू कर सकते हैं। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आज के युग में कई ऐसे युवा लड़के और लड़कियां हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में ट्यूशन क्लासेस भी ले रहे हैं, वो भी अपने घर में। इस व्यापार में आपकी कमाई आपके समय के ऊपर होती है और इन्वेस्टमेंट भी आपको बस एक कमरे की आवश्यकता होती है। और अगर आप एक छोटा ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप कुछ अन्य सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ मिलकर एक ट्यूशन सेंटर शुरू कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे है ई-बुक लिखना और बेचना। दोस्तों, ई-बुक किताब का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर पढ़ा जाता है। आज की इस ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे लोग इंटरनेट पर ई-बुक खरीदते और बेचते भी हैं। अगर आपको किताबें लिखना अच्छा लगता है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाकर इंटरनेट पर बेच सकते हैं और खूब सारे पैसे भी कमा सकते हैं। ई-बुक बेचने के लिए कुछ जबरदस्त वेबसाइट है जैसे कि Amazon, Fiverr, सेल्स, पेहिप इत्यादि। तीसरे नंबर पे है जूस की दुकान। दोस्तों, जूस पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और लोग हमेशा अच्छा ताजा जूस पीना पसंद करते हैं। आपने शायद ही ऐसे कोई जूस शॉप देखा होगा जो कभी खाली पड़ा हो। जूस की डिमांड हमेशा लगी रहती है। जूस की दुकान की शुरुआत आप बहुत ही कम लागत से कर सकते हैं और इसमें अच्छी कमाई भी है। आप तरह तरह के फलों का जूस बेच सकते हैं और कुछ मिक्स फ्रूट भी बेच सकते हैं। चौथे नंबर पे है मत्स्य व्यवसाय यानी कि मछलियों का व्यवसाय। दोस्तों, मत्स्य कृषि या फार्मिंग में एक बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला व्यवसाय है और इसको करने के लिए आपको बस सही जगह ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस व्यापार की खास बात यह है कि आप इस व्यापार को अपने तालाब या किराए के तालाब में भी शुरू कर सकते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और एक अच्छा फैट सोर्स भी है। आपको इस व्यापार के लिए छोटा मछली चारा यानी कि छोटी मछलियां खरीद लानी होंगी और उन्हें तालाब में बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए उनके स्वास्थ्य की जानकारी, सही मछली दाना का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। पांचवे नंबर पे है जेराक्स और लेमिनेशन का बिजनेस। दोस्तों, जेराक्स और लेमिनेशन और किताबें बाइंडिंग करना, यह काम शहरों का पारंपरिक व्यापार है जो कई वर्षों से चलता आ रहा है और यह व्यापार कोई भी अकेला व्यक्ति आसानी से शुरू कर सकता है और इसमें लागत भी बहुत कम है। इस व्यापार में आपको खासकर 2 से 3 इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की आवश्यकता पड़ती है जैसे जेरोक्स मशीन, लेमिनेशन मशीन और कंप्यूटर इत्यादि। अगला है छठवां नंबर और सबसे डिमांडिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर वो जगह होती है जहाँ लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट करने की नॉलेज दी जाती है। अगर आपने कंप्यूटर से जुड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की है और आपको ट्यूशन सेंटर शुरू करने की अनुमति है तो आप जरूरत के अनुसार लाइसेंस लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। अब सातवां है कैंडल मेकिंग बिजनेस यानी कि मोमबत्ती का व्यापार। यह उद्योग आजकल बहुत कामयाब है। आपको 10 से 20 हजार तक का निवेश करना पड़ता है और आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको सरकार से भी मदद मिल सकती है। यह बिजनेस 2 तरह से होता है। यदि आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो आपको सांचे की जरूरत होगी जो कि बहुत सस्ता पड़ता है, और दूसरा, अगर आप बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगे तो आपको इसके लिए मशीन की आवश्यकता होगी। अब आठवां नंबर है अचार का व्यवसाय। दोस्तों, आजकल यह उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 4 से 6 व्यक्तियों की जरूरत होती है। आप तरह तरह की चीजों का अचार बनाकर इस व्यवसाय को चला सकते हैं और आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कम लागत यानी कि 10 से 20 हजार रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। और ठीक इसी से मिलता जुलता व्यापार है 9वां नंबर, पापड़ बनाने का व्यापार। दोस्तों, यह व्यापार लघु उद्योग में आता है। इसकी शुरुआत केवल 10 हजार रुपए से आप कर सकते हैं। आपको बैंक से आसानी से लोन भी मिल जाएगा। आपको इसे शुरू करने के लिए कुछ कामगारों की जरूरत होगी। किसी अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप इसके लिए बात कर सकते हैं। उसके द्वारा ही आपका बनाया गया पापड़ पूरे शहर के दुकानों में बेचा जाएगा। अगर आपको सही कीमत पर अच्छी क्वालिटी दी जाए तो कुछ ही दिनों में आपका व्यवसाय चल पड़ेगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब है 10वां और सबसे लास्ट, बिंदी मेकिंग बिजनेस यानी कि बिंदी बनाने का व्यवसाय। दोस्तों, यह कुटीर उद्योग सिर्फ 12,000 के निवेश में शुरू हो जाता है। घर की स्त्रियां इस काम को बड़े आराम से घर में कर सकती है। बिंदी बनाने के लिए कच्चा माल जैसे कि मखमली कपड़ा, विभिन्न प्रकार के पत्थर, क्रिस्टल, मोती जैसे चीजों की जरूरत होती है। आप इसे बाजार से खरीद सकते हैं। इस व्यवसाय में 50% तक आप मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ मशीनों की जरूरत इसमें पड़ती है जैसे कि कटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन इत्यादि। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आज के 10 बिजनेस आइडियाज।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।